अस्सलाम वालेकुम, रोज न्यूज के साथ मैं हूं जहांगीर खान। शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस। आसिफ अली जरदारी को जमानत मिलेगी या गिरफ्तार होंगे? जाली अकाउंट्स केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला होगा। अदालत ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 9 मुलजिमों की अबूरी जमानत में आज तक तोसी करते हुए नैब से तमाम रिकॉर्ड तलब किया है। एहतसाब अदालत लाहौर में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत, ख्वाजा सलमान रफीक अदालत में पेश। अदालत ने नैब को मुलजिमान को रेफरेंस की कॉपीज फराहम करने का हुक्म दे रखा है। वज़ीर आज़म आज दो रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। मुशीर तिजारत रजाक दाऊद और वफाकी वज़ीर मुराद सईद, वज़ीर मनसूबा बंदी और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला KPK महमूद खान भी इमरान खान के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म रोज़ा रसूल पर हाजिरी देंगे, उमरा भी अदा करेंगे। वज़ीर आज़म का LOIC के 14वें सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। OIC राबिता ग्रुप का इजलास, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। वज़ीर ख़ारिजा अशरफ महमूद कुरैशी ने कहा है कि अक़वामे मुत्तहिदा कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के मुतालिक तहकीकती कमीशन बनाए, जबकि राबिता ग्रुप कश्मीर की सूरत हाल जो है उस पर सूरत हाल का जायजा लिया जाए। फ़लस्तीनी मुसलसल इसराइली जुल्म और जबर का शिकार बन रहे हैं, पाकिस्तान फ़लस्तीन की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेगा। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलीहा लोधी कहती हैं, सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के उम्मीदवार ममालिक की इस्लाहाती अमल में रुकावट हैं, माजी से सबक सीखे बगैर इस्लाहात का अमल मतलूबा नतायज नहीं देगा। समंदरी में नामालूम अफराद की फायरिंग से साबिक सदर बार समंदरी गजनफर अली वड़ाए जाँ भाग हो गए। दो नामालूम मोटरसाइकिल फायरिंग के बाद फरार, वकला सरापा एहतजाज, अदालतों का बॉयकॉट। सिंध के इलाके रतो डेरों में तेजी से फैलते हुए मोजी मर सीड्स की तहकीकात के लिए आलमी माहरीन का वफ्त आज लारकाना पहुंचेगा। WHO की जानिब से अद्वियात महकमे सेहत सिंध को फराहम कर दी गई है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।